नमस्ते फ्रेंड्स, हर हर महादेव जी। फ्रेंड्स, मैं आज आपको गोभी के जो कोफ्ते होते हैं वो बना के दिखाने वाली हूँ, फूल गोभी के कोफ्ते। तो सबसे पहले गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे और ये पानी गर्म होने के लिए रखा है मैंने। इसमें एक छोटी चम्मच भर के नमक डाल देंगे। ये 6 टमाटर है, इसमें लहसुन और अदरक डाल के प्यूरी बनानी है इसकी। तो ये टमाटर की प्यूरी बन गई है और पानी में बॉईल आएगा तब हम इसमें गोभी को डालेंगे। फ्रेंड्स, हमारा जो पानी ये उबलने वाला है तो अब हम गोभी को इसमें डाल देंगे बड़े बड़े पीसीज में काट के, ताकि इनमें जो भी गंदगी होगी वो सब निकल जाएगी और थोड़ी सी गोभी गल जाएगी। बड़े बड़े फूल कट करके डाल देने हैं। अब 2 मिनट तक हम इसको रहने देंगे इसमें गर्म पानी में। मेरी मिनट हो गई है फ्रेंड्स, और गैस का फ्लेम मैंने तेज कर रखा था, तेज गैस के फ्लेम में ही मैंने चढ़ाया हुआ है ये। और अब कोई छलनी लेके या जैसे कोई छलनी होती घरों में उसमें निकाल लेंगे इसको। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। गैस का फ्लेम कम करके इतने में तेल रख दूंगी गर्म होने के लिए। अब गोभी को कद्दूकस कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा है ये निकाल देंगे, जितनी कद्दूकस होगी वो कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये कद्दूकस कर लिए मैंने गोभी, और ये जो डंठल बचा है ये दूसरी सब्जी में काम आ जाएंगे, तो ये मैं रख देती हूँ। अब इसमें जो हरी मिर्च है कटी हुई 4, और ये अदरक के टुकड़े लंबे लंबे काट रखे मैंने पीसीस में, ये डाल दूंगी। थोड़ा सा धनिया भी डाल दूंगी। और गैस का फ्लेम मैंने तेज कर दिया है तेल गर्म होने के लिए। आधा छोटी चम्मच नमक डाल दूंगी। ये 6 चम्मच मैंने, जो खाने वाली चम्मच होती है 6 चम्मच भर के मैंने बेसन डाल दिया है। फ्रेंड्स, मैं ये आपको गोभी बताना भूल गई थी, ये 1 किलो गोभी है, फूल गोभी, जिसके मैं कोफ्ते बना रही हूँ। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी डालने की इसमें जरूरत नहीं होती। थोड़ा सा हाथ को साफ करके इसमें हम थोड़ा तेल लगा लेंगे। और जिस आकार के भी आप चाहते हैं कोफ्ते बनाने, मैं एक नींबू के साइज का बॉल बना के रख रही हूँ। ये 10 कोफ्ते बन गए मेरे, बड़े नींबू के आकार के। तेल को देख लेते हैं, अब तेल गर्म हो गया है, अब डाल लेते हैं।
फ्रेंड्स इनको आराम आराम से पलटना है, नहीं तो ये टूट भी सकते हैं। थोड़ा सा गैस को मीडियम कर दिया है मैंने ताकि अच्छे से अंदर से बाहर से अच्छे से पक जाए। अगर तेज़ गैस रहेगी तो ऊपर ऊपर से थोड़े जल्दी पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। सारी तरफ से घुमा के देख लेंगे, कहीं से कच्चे हैं तो अच्छे से पका लेंगे और अगर पक गए हैं तो एक एक करके निकाल लेंगे। गैस का फ्लेम फिर से तेज़ कर दूंगी क्योंकि थोड़ा सा तापमान कम हो जाता तेल का तो थोड़ा तेज़ हो जाए। ये दो कोफ्ते और बच गए थे, ये भी डाल दूंगा। कढ़ाई में से तेल कम कर देंगे, 2 चम्मच के करीब तेल रख लिया है मैंने इसमें, बाकी सब निकाल दिया है। अब ये कटी हुई प्याज डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच नमक, प्याज थोड़ी गोल्डन हो गई है। अब इसमें 1 बड़ी चम्मच भर के मैं सूखा धनिया पाउडर डालूंगी। अभी टमाटर प्यूरी बनाई है डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल के इसमें, 1 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच मिर्च, थोड़ा सा इसको पका लेंगे। थोड़ा सा पानी वो डाल देंगे और इसको 2 मिनट हाई फ्लेम पे ढक के पका लेंगे। दो मिनट हो गए फ्रेंड्स, एक चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, अब ये जो कोफ्ते बने हैं इसको डाल देंगे। दो मिनट और ढक के पका लिया, 2 मिनट हो गए फ्रेंड्स और ये हमारे कोफ्ते बन के तैयार हैं। जैसे जैसे ये ठंडे होंगे तो थोड़े से गाढ़ा हो जाएगा, ग्रेवी ठीक हो जाएगी। हरा धनिया डाल दिया है कटा हुआ, कसूरी मेथी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। इसका फ्लेम बंद कर देंगे, तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और फ्रेंड्स आपने अपना कीमती टाइम निकाल के मेरी वीडियो को देखा, आपका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्ते फ्रेंड्स, हर हर महादेव जी।